हेलो गाइस, आज हम लोगों ने एक प्रॉब्लम को अटेंड किया है जहाँ से हमारी जो कूलेंट है वो लीक कर रही थी, पर इसमें जो है वाटर यूज़ किए गए हैं, तो मैं वाटर इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पंप के जो ड्राइव वाली व्हील है वहाँ से ड्रॉप ड्रॉप वाटर लीक हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो सील है पहले वो गई होगी, उसके बाद इसकी बैरिंग चली गई, जिसके वजह से सामने से आ रही है, अदरवाइज़ वो पीछे से आती। अगर सील जाती है तो पीछे से आती है, तो पहले इसमें सील गई होगी। तो चलिए, हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ से लीकेज नहीं है। स्टार्ट करने के बाद लीकेज इसलिए नहीं है क्योंकि जब पंप को ड्राइव मिल रही है उस समय में जो जितनी भी पंप की जो सक्शन है वो डिलीवरी की तरफ चली जा रही है, उसके वजह से इस साइड में वाटर नहीं आ पा रही है व्हील के साइड में। और जब हम बंद करते हैं तो फुल वाटर जो है हमारी पंप की ड्राइव तक आ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से लीक होनी शुरू हो जाती है बंद करने के बाद। फ्रेंड्स, इसमें पहले सील गई होगी, सील को अगर हम ध्यान ना दें तो ये सडनली फेल होगी, और अगर ये फेल होने के बाद हमारी इंजन जो है ओवरहोट हीट हो करके सीज होने की चांसेस रहती है। तो हमें इसे ध्यान से देखनी है कि हमारे पर डे हमें चेक करनी है कि वाटर लेवल कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी पंप हैं, वाटर पंप, इसमें इसकी जो ड्राइव पुली है उसमें आपकी प्ले आ चुकी है। यहाँ पर देखिए दो बोल्ट है जिसे हमें निकालनी है। दोनों बोल्ट को निकालने के बाद इस वाटर पंप को आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, वाटर पंप को फिट करना और निकालना ये बहुत ही आसान है इस व्हीकल में। देखिए ड्रॉप ड्रॉप वाटर आ रही है यहाँ से बंद होने के बाद। तो पहले हम इसकी टेंशनर को निकाल लेते हैं, बेल्ट टेंशनर है उसे हम निकाल लेते हैं। बेल्ट टेंशनर को निकालने के बाद हम पहले बेल्ट को साइड कर लेंगे, और साइड करने के बाद हम वाटर पंप की जो दो बोल्ट है उसे हम निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट टेंशनर है, ये टेंशनर को हम यहाँ से हटा लेंगे। उसके बाद हम वाटर पंप की तरफ चलते हैं, और वाटर पंप की जो माउंटिंग की जो दो बोल्ट हैं 13 नंबर की, हम उसे निकाल लेंगे। उस वाटर पंप की माउंटिंग की बोल्ट निकालने के बाद वाटर पंप इजली वो बाहर आ जाती है। अगर किसी कारणवश नहीं आती है तो इसका मतलब किसी ने उसमें पेस्ट ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसके वजह से वो पकड़े हुए होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी जो माउंटिंग है, माउंटिंग बोल्ट है, हमने उसे निकाल लिया है। अब हम वाटर पंप को निकाल रहे हैं। देखिए ये वाटर पंप नहीं आ रही है क्योंकि ये स्टक, माने बिल्कुल चिपकी हुई है इसकी बॉडी से। तो हम किसी लीवर से इसे दबाकर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी वाटर पंप जो है वो निकल चुकी है। देखिए यहाँ से जो जितने भी वाटर इंजन ब्लॉक के अंदर में थी वो पूरी बाहर आ रही है, और ये हिट है इंजन, क्योंकि इस कंडीशन में ही गाड़ी चलकर आई है। तो इसकी जो टेम्परेचर है वो उतना हिट नहीं है कि जितने, अगर ज़्यादा हीट है तो हमें इसे थोड़ी देर वेट करके उसे ठंडा कर लेनी है, उसके बाद खोलनी है। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स ये हम लोगों ने वाटर पंप को निकाला है। देखिए इसमें प्ले आ गई है, इसकी जो माउंटिंग है उसमें देखिए प्ले आ चुकी है, और इसकी मेन पुली में भी प्ले आ गई है, और उसके वजह से ये वाटर पंप जो है वो साउंड, एक अलग क्र करके एक साउंड आ रही है इसमें, और हम इसे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लीक टेस्ट के लिए एक होल है जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमारी वाटर पंप फेल होने वाली है या नहीं। यहाँ से जब वाटर आने शुरू हो जाती है उसी वक्त हमें वाटर पंप को चेंज कर लेना है, ताकि हम इंजन की और भी जो सीज की प्रॉब्लम है उससे हम बच पाएँ। पहले यहाँ से ही इंडिकेशन होती है पानी आने की। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्ले बहुत ज़्यादा है और इसमें साउंड भी है। हमने उस साउंड को अभी जो हमारी सॉफ्टवेयर के जरिए हमने ख़त्म करके रखा हुआ है इसमें। तो देखिए इसमें प्ले इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ये लीकेज हो रही है, और ये प्ले होने से हमारी इंजन ओवरहीट एकदम होनी, डेफिनेटली हमारी इंजन जो है वो ओवरहीट होनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये नई वाली वाटर पंप है, ये चाइना वाली वाटर पंप है, इसमें होल की इंडिकेशन, पहले इंडिकेशन हमें नहीं मिलेगी, ये सडनली ये फेल होगी। देखिए हम लोगों ने इसकी प्ले को चेक किया, प्ले हमारी बिल्कुल सही है। अब हम इसमें वो रिंग डालते हैं और इसमें ग्रीस डालकर हम इसे फिट कर देंगे।
तो हमें इसके ऊपर अच्छी तरीके से ग्रीस लगा लेनी है इस ओरिंग पे। देखिए फ्रेंड्स, ये जहाँ से हम वाटर पंप निकाले हैं वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसकी जो बॉडी है वहाँ पे हम वापस अगर डालते हैं तो किसी तरह की लीकेज तो नहीं होगी। तो इसे हमें अगर किसी तरह की अगर एना बॉन्ड है यहाँ पे तो उसे क्लीन कर लेनी है अच्छी तरीके से। चलिए, हमने ग्रीस को अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर। अब हम इसकी वाटर पंप अपनी इसकी प्लेस पे डाल देते हैं। प्लेस पे डालने के बाद इसकी जो दो माउंटिंग बोल्ट है हम उसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम उसे स्मूथली रोटेट करके चेक कर लेंगे। अगर ये रोटेशन में किसी तरह की अगर स्टक हो रही है और किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें वापस चेक करनी है। चलिए, हमने दोनों माउंटिंग बोल्ट को डालकर हमने चेक कर लिया इसे। चेक करने के बाद अब हम इसे बेल्ट इसके ऊपर हम डालेंगे। फ्रेंड्स, जब हम इसे बेल्ट डालेंगे तो हमें इसे जो टेंशनर हम लोगों ने इसे निकाला था टेंशनर को, देखिए ये हम इसे स्मूथली रोटेट हो रही है ये वाटर पंप, हमने इसे चेक कर लिया। अब हम इसकी टेंशनर को यहाँ पर डाल लेते हैं। बेल्ट की टेंशनर को डालने के बाद हम बेल्ट को पहले अपनी पोजीशन पे बिठा लेंगे ताकि हमारी अल्टरनेटर और वाटर पंप उसके बाद फैन को ड्राइव मिल पाए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से जब टाइट कर लेंगे तो हम इंजन को स्टार्ट करके भी चेक कर लेंगे कि हमारी लीकेज इसमें है या नहीं है। चलिए, अब हम इसे बेल्ट को हम चढ़ाते हैं। बेल्ट चढ़ाने के लिए हमें एक एल हैंडल चाहिए, छोटी वाली स्क्वायर वाली, और उससे हम दबाकर आसानी से हम बेल्ट को वाटर पंप के ऊपर डाल लेंगे। जब वाटर पंप के ऊपर में हम डालेंगे तो उसके बाद फिर टेंशनर को हम छोड़ देंगे तो आसानी से ये हमारी बेल्ट जो है बैठ जाएगी। ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है इसमें बेल्ट, जिसमें टेंशनर लगी हुई होती है, और बहुत से व्हीकल में हमें एडजस्ट करना पड़ता है पर इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। चलिए, हम लोगों ने इसे डाल लिया। अब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे आज की जो वीडियो है, हम वाटर पंप कैसे निकालना है और कैसे डालना है ये हमने बताया है इसमें, और कैसे हमें चेक करना है कि वाटर पंप की सील गई है या बेरिंग हमको दोनों कंडीशन में है उसे चेंज करनी है। फ्रेंड्स, पर वो देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया इसे। स्टार्ट करने के बाद हम चेक कर रहे हैं जहाँ तक हमारी किसी तरह के भी लीकेज नहीं है। आज की वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।